So very good morning, students. As you know, we are doing chapter number 13, hydrocarbons of your chemistry volume 2. Organic chemistry कर रहे हैं हम लोग. तो hydrocarbons में हम लोगों ने start किया है. Last lecture में हम लोगों ने discuss किया था preparatory methods of alkenes, unsaturated hydrocarbons, alkenes के बारे में हम लोग study कर रहे हैं. So बेटा आज हम लोग discuss करेंगे next topic of alkenes, that is properties of एल्कीन्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी. तो फिजिकली अगर बात करें एल्कीन्स काफी हद तक रिजेंबल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन्स के साथ, ठीक है. लेकिन आइसोमेरिज्म जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करते हैं. इसके अलावा पोलैरिटी जो रहती है वो इनकी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहते हैं. लेकिन यहाँ पे s करैक्टर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है. यहाँ पे जो कार्बन एटम्स रहते हैं वो दोनों के दोनों, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस रहती है, यहाँ पे फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द जो एल्कीन फैमिली होते हैं वो गैसेज होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट 14 मेंबर्स के आसपास इनके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और हायर वाले जो रहते हैं वो सॉलिड स्टेट में, एज इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के केस में, जैसे हम एल्केन्स के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन होमोलोगस सीरीज का, दैट इज योर इथीन जो रहता है, दैट इज कलरलेस गैस होती है और फेंट सी, इट इज माइल्ड सी स्वीट स्मेल देता है ये, ठीक है. बाकी जितने भी अदर एल्कीन्स होते हैं वो कलरलेस एंड ऑडरलेस, इन सोलबल इन वाटर बट फेयरली सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर एक्सेट्रा, इन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर सकते हैं. वाटर इनसोल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ लेस पोलैरिटी, अनअवेलेबिलिटी या अनएबल टू फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है बेटा. बाकी बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो रेगुलरली इंक्रीज करते जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है. तो एल्केन्स की तरह ही जो स्ट्रेट चेन एल्कीन्स होते हैं उनके हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो आइसोमेरिक होते हैं जो ब्रांच्ड एल्कीन्स होते हैं उनके जो रिलेटिव पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया. सो दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. नेक्स्ट वीडियो आपके पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही था जब हम स्टार्टिंग की थी, तो एल्कीन्स जो होते हैं ये लिटिल बिट रिएक्टिव होते हैं देन दोज ऑफ एल्केन्स जो इनके प्रीवियस मेंबर्स हैं. जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. जो पाई बॉन्ड रहता है बनाना बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्रिएट हो जाती है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजिली इनके ऊपर अटैक कर सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि एल्केन्स जो होते हैं ये रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड जनरली दे कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस मेनली. इनमें जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो टेक्स प्लेस होती है वो एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है. जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ब्रेक कर जाता है और वहां पे एडिशन ऑफ सर्टन स्पीशीज जो है वो टेक्स प्लेस कर जाती है, ठीक है जी. और यहाँ पे जो मैकेनिज्म टेक्स प्लेस होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो जाता है, और कार्बोक्टाइन फॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स उस मैकेनिज्म के थ्रू भी रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होती हैं. यहाँ पे जो बेसिक रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनरल रिएक्शन हैं उनमें सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन बोलते हैं. ये अभी हमने एल्केन्स की प्रेपरेशन जब कर रहे थे वहां पे हमने किया था कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स. तो जब एल्कीन्स को हम हाइड्रोजिनेट करते हैं मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट एल्केन्स की प्रेपरेशन में किया था. सिमिलरली एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं मतलब हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस हो जाती है, ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अनसेचुरेशन ब्रेक कर जाती है, जैसे ये इथीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे Br2 दैट इज ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है. तो हमारे पास डाइब्रोमो प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है, दैट इज एडिशन रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाती है और हमारे पास एडक्ट बनते हैं. एडक्ट इन द सेंस एडिशन प्रोडक्ट्स, AdDuCt एडक्ट्स. एडक्ट्स क्या होते हैं? एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं. सिमिलरली प्रोपीन की बात करें क्लोरिनेशन करेंगे डाइक्लोरो प्रोपेन जो है वो हमारे पास ऑब्टेन्ड
हो जाते हैं। कहने का मतलब जो अनसेचुरेशन है वो ब्रेक कर जाती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ब्रेक कर जाएगा, वहां पे एडिशन ऑफ सर्टन स्पीशीज जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो यही जो है, ये जो एडिशन रिएक्शन होती है, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी रहता है, दैट इज टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स। एडिशन रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग अनसेचुरेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एल्केन और एल्कीन में मान लीजिए अगर आपको डिफरेंस आ जाता है, हाउ कुड यू डिफरेंशिएट या गिव अ सुइटेबल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ पर्टिकुलर एल्कीन एंड एल्केन, तो आप कह सकते हो कि एल्केन्स के केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है जनरली, जबकि एल्कीन्स के केस में एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, स्पेशली जैसे ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन वगैरह, तो डाई हैलो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास ऑब्टेंड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द कार्बन एटम्स, एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स, ठीक है जी। तो अदर एडिशन रिएक्शन में ये होगी, हैलोजिनेशन होगी, सेकेंडली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे एच एक्स होते हैं, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, एच सी एल, एच आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टाइप ऑफ रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एक्चुअली यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट वो इंट्रोड्यूस होते हैं, मार्कोनिकोव्स एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, और जिसको खराश इफेक्ट बोलते हैं या परोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर एडिशन रिएक्शंस इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। याद रखना है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल इन द सेंस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के आइदर साइड्स के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट रहते हैं वो होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, जहां पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं वो होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स की केस में जब हम एडिशन करते हैं वो तो जनरल हो जाती है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक करेगा, एक कार्बन एटम के साथ एक एटम एडअप हो जाएगा, दूसरे के साथ दूसरा एटम एडअप हो जाएगा, तो वहां पे तो कोई ऐसा रहता नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो वहां पे रूल्स फॉलो होते हैं मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। सबसे पहले करेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल जैसा कि मैंने बताया कौन सी होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स मींस टू से द टाइप ऑफ एल्कीन व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है उधर, मतलब यहाँ पे तो चलो ये तो सिंपल सा है, ये नेक्स्ट वाला आप देख सकते हो ब्यूट, तो डबल बॉन्ड और कार्बन एटम के लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड के ऊपर भी और लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक एक अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पे जब एडिशन रिएक्शन बेटा हम लोग करते हैं तो थोड़ा होगा क्या, जनरली एक जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक करेगा तो एक कार्बन एटम के साथ आपके पास क्या होगा, एक कार्बन एटम के साथ आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन एटम के साथ आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये किसी के साथ भी जा सकता है, ब्रोमीन दूसरे वाले कार्बन एटम इस एटम के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में रूल्स फॉलो होते हैं, सबसे पहले है एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, सबसे पहले करेंगे मार्कोनिकोव्स एडिशन। ये मार्कोनिकोव्स एडिशन जो होती है स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है, ये रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड स्पेशली HBr की एडिशन सिंपल एडिशन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ रिएजेंट सिंपल एडिशन इन्होंने स्टडी की थी ये। तो इनके अकॉर्डिंगली क्या था, मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंगली कि जब एडिशन करेंगे किसी भी हेलोजन एसिड की, लाइक HBr की एडिशन कर रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट जो एडेंडम, एडेंडम क्या होता है, एडेंडम जिसको हम ऐड कर रहे हैं, एडेंडम addendum, एडेंडम मींस द स्पीशी व्हिच इज टू बी एडेड अप इन द गिवन एल्कीन। तो इनके अकॉर्डिंगली ये था कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम होगा, नेगेटिव पार्ट अब कौन होगा, हेलोजन एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम दैट इज ब्रोमाइड आयन विल प्रेफरेबली अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, मीन्स
जो कार्बन एटम आइदर सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो अदर कार्बन एटम जो प्राइमरी होगा उस केस में उसके साथ अटैच होगा, ठीक है जी। और आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 2-bromopropane, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और जो 1-bromopropane है ये होगा माइनर प्रोडक्ट, मतलब स्मॉल अमाउंट में बनेगा। जो मेन प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर 2-bromopropane, दिस इज मार्कोनिकोव्स एडिशन, ठीक है जी। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव्स एडिशन, दैट इज एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, अकॉर्डिंग टू विच द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम gets attached to that carbon atom which possess lesser number of hydrogen atoms, या indirectly आप ये भी बोल सकते हो which is either secondary carbon atom or tertiary carbon atom, लेकिन याद रखना है किस carbon atom के साथ होगा, जो double bonded ring, addition, क्योंकि addition reaction actually होनी कहाँ पे है, जहाँ पे pi electron cloud present है, simple सी बात है। तो double bonded carbon atom में से आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पे secondary कौन है, tertiary कौन है। तो मान लीजिए एक एक तरफ सेकेंडरी, एक तरफ टर्शरी है, तो नेगेटिव पार्ट जाएगा टर्शरी के पास। अगर मान लो जैसे ये वाला केस हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी कार्बन एटम है, तो ऐसे केसेस में जो नेगेटिव पार्ट होगा वो बेटा सेकेंडरी कार्बन एटम के पास जाएगा। दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल। एंड सिंपल एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड जो रहती है, सिंपल एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो रहती है, वो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंगली टेक्स प्लेस होती है। सो कहने का मतलब ये है कि फॉर इन केस ऑफ मार्कोनिकोव्स एडिशन हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2-bromopropane इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट है, एज अ मेजर प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेंड होता है, ठीक है बेटू, इस तरह से। तो इसके पीछे का जो बेसिक कॉज रहता है वो रहता है मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअली क्या होता है, जो मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होती, यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं कि जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन करता है, मतलब वो प्रेफरेंशियली प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है एज कंपेयर टू द अनदर वन विच इज अनस्टेबल। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ही आपकी प्रोटोनेशन होगी, मतलब क्योंकि एसिडिक कंडीशंस है तो एच पॉजिटिव आयन पहले अटैक करेगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या एच पॉजिटिव इस जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक करेगा, या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेकंड के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट कर रहे हैं उसके ऊपर तो एच पॉजिटिव आयन अटैक कर देंगे, पीछे क्या बच जाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस वन, ये वाला केस, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये भी, अब दोनों केसेस में आपके पास ये वाला जो कार्बोकैटायन है फर्स्ट वाला, ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है बेटा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है दैट इज ऑलवेज लेस स्टेबल रहता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, टर्शरी कार्बोकैटायन हमेशा मोर स्टेबल रहता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो क्योंकि ये लेस स्टेबल है इसलिए इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेंगे वो माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे जो बन रहा है कार्बोकैटायन वो बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मींस जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। हाइड्रो जो एच पॉजिटिव आयन है वो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ पे CH3 बन के दूसरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट होगी, वो पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपके पास क्या है, मोर स्टेबल रहता है। उसके पीछे रीजन क्या थे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जैसे इस केस में प्राइमरी के केस में सिर्फ दो बनेंगी, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो इस केस में सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है तो दो ही स्ट्रक्चर्स बन पाएंगी, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ एक एक मिथाइल ग्रुप है तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस मिथाइल लेफ्ट वाले मिथाइल ग्रुप की बनेंगी और तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी राइट वाले भी, टोटल सिक्स बन जाएंगी। तो हम करके आए हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट, जो सेकेंडरी कार्बन एटम है इसके पास दो आइदर साइड्स के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर स्टेबल।
एंड एज सेकेंडरी कार्बोकाइन इज मोर स्टेबल हेंस प्रेफरेंशियल प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी. आपका जो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी. ठीक है जी. ठीक है तो सेकेंडरी कार्बोकाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी देयरफॉर फॉर्मर डोमिनेट्स बिकॉज इट इज फाउंड एट द फास्टर रेट. सो हेंस कार्बोकाइन बी इज अटैक्ड बाय ब्रोमाइड आयन टू फॉर्म द प्रोडक्ट एज दिस. इस तरह से आपका ये मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होती है. याद रखना है मार्कोनिकोव्स एडिशन जो है वो सिंपल एडिशन रिएक्शन होती है विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी पर्टिकुलर रिएजेंट. ठीक है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो ऐसा कुछ नहीं होता. डायरेक्ट एडिशन हो जाती है विद द एडेंडम जो भी हम एड अप करना चाहते हैं. क्या बता लेकिन बेटा यही सेम रिएक्शन ठीक है यही प्रोपीन की अगर एच बी आर के साथ रिएक्शन करते हैं अगर हम लोग परोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं रिएक्शन को. मतलब अब आपने यहाँ पे रिएजेंट ले लिया है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है तो अब सारा रूल रिवर्स हो जाता है उल्टा हो जाता है. ठीक है और इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल और खराश इफेक्ट बोला जाता है इसको. खराश इफेक्ट ये साइंटिस्ट थे एम एस खराश एंड एफ आर मायो. 1933 में इन्होंने इस चीज को स्टडी किया था कि जो एडिशन रिएक्शन है अगर हम परोक्साइड की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करवाते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन से नहीं होता वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है. यानी यहाँ पे जो परोक्साइड है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म्स होते हैं. ठीक है जी तो यहाँ पे क्या होगा इसको खराश इफेक्ट और मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन बोली जाती है. लेकिन याद रखना है ये हमेशा कब होगी जब एडिशन ऑफ HBr ओनली HBr के केस में होती है. पहली बार मार्कोनिकोव्स एडिशन तो कहीं भी हो सकती है किसी भी जैसे HCl के भी करोगे HBr के करोगे लेकिन जो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है ये सिर्फ HBr के केस में ही होता है ड्यू टू एनर्जेटिक्स एनर्जेटिक कंडीशंस रहती हैं. HCl और HI के केस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो कि फेवरेबल नहीं रहती. ठीक है लेकिन HBr के केस में वो फेवरेबल हो जाती है जिसकी वजह से ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जो है दैट फॉलोज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड एनी परोक्साइड एनी टाइप ऑफ परोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस करती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम रिएक्शन है बट अब जो आपके पास बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइमरी प्रोडक्ट मेजर बनेगा ना कि सेकेंडरी बनेगा. और इसके पीछे का बेसिक कॉज क्या है मैकेनिज्म. वहां पे क्या था मार्कोनिकोव्स एडिशन में क्या हो रहा था कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहे थे लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बन रहे हैं. यहाँ पे आपके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है. कैसे होती है जो परोक्साइड है जैसे यहाँ पे बेंजोइल परोक्साइड लिया गया है दिस इज बेंजोइल परोक्साइड. तो लाइट की प्रेजेंस में ये होमोलाइज होता है. यहाँ से जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है पर ऑक्सो ग्रुप होता है ये पर ऑक्सो ग्रुप जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज रहती है इसको पर ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर है ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों यहाँ से ऑक्सीजन अलग अलग मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया परोक्साइड फ्री रेडिकल बन गया यहाँ से दिस वन. ये होमोलिसिस होगी यहाँ पे आप देख सकते हो. अब इस ऑक्सीजन के पास आपके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है दिस वन ये वाला केस. ठीक है तो ये बन गया बेंजोइल परोक्साइड दैट इज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी. ये जो रहता है ये जो आपका फ्री रेडिकल बना ये हाईली अनस्टेबल होता है दिस वन. ये इमीडिएटली क्या करता है यहाँ से दोबारा अपने आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन इमीडिएटली यहाँ से CO2 बाहर चला जाता है और बेंजाइल फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाता है मतलब बेंजीन फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया C6H5 ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है. ठीक है जी तो ये बेंजीन फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाता है. अब ये जो बेंजीन फ्री रेडिकल है ना बेटा ये होमोलाइज करता है आपके HBr को ये HBr को होमोलाइज करता है यहाँ से. ठीक है जी अगर इसकी जगह पे HCl ले गए या HF ले गए तो वो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. और HI की अगर बात करेंगे तो HI इतना मतलब वीक बॉन्ड होता है कि वो इमीडिएटली ब्रेक करके रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है मतलब स्टेबल रेडिकल नहीं बनता सिर्फ ब्रोमीन फ्री रेडिकल ही स्टेबल बन पाता है. तो यहाँ पे इस तरह से जो बेंजीन फ्री रेडिकल बना ये बेंजीन फ्री रेडिकल HBr को होमोलाइज करेगा वहां से एक आपकी बेंजीन हाइड्रोजन तो यहाँ पे चला गया इसके साथ. ठीक है वो बेंजीन बन बाहर निकल गई. ठीक है बेंजीन बन गई और साथ में क्या बना ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल.
ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है बेटा ये अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर, जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना वो अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर और एल्कीन की होगी होमोलिसिस, यहाँ पे एल्कीन होमोलाइज होगा। तो जब एल्कीन होमोलाइज होगा जाहिर सी बात है एक कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन अटैक कर देगा दूसरे के ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक केस में क्या हो रहा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है ये, ठीक है, दूसरे के ऊपर तो ब्रोमीन ने अटैक कर दिया, वो तो बॉन्ड बन गया कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, और एक आपका एज इट इज रहा। सिमिलरली दूसरी साइड पे इसी तरह से वो सेकेंडरी कार्बो आपका कार्बन फ्री रेडिकल बना। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की तरह होती है, जो प्राइमरी कार्बोकैटायन्स जो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर लेस स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, ठीक है, मतलब कहने का सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो उस केस में बेटा यहाँ पे जो स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन पहले अटैक कर चुका है तो वो वन ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे केस में क्या होगा, जो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये HBr को दोबारा से होमोलाइज करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल ऑफ HBr को होमोलाइज करके वहां से ब्रोमीन ऑल्ट ब्रोमीन फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्शन के लिए प्रोड्यूस हो जाएगा और H रेडिकल एड अप हो जाएगा, आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा, वन ब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज हाउ द मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल एक्ट इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है बेटा, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास माइनर प्राइमरी जो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है ना वो माइनर बनेगा, क्योंकि जो सेकेंडरी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो कौन बनाएगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब क्योंकि प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, सो देयर फॉर जो इसके द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो भी क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। बाकी जो HClHI की बात मैंने अभी की थी कि परोक्ष साइड इफेक्ट जो है वो हमेशा तब ऑब्टेन्ड होता है जब एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन कर रहे हो विद HBr के साथ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल परोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। तो बाकी केसेस में क्यों नहीं होता, दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट HCl बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है, ठीक है, इतनी एनर्जेटिक्स नहीं रहते, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है जिसकी वजह से HCl बॉन्ड होमोलाइज नहीं हो पाता, अगर होमोलिसिस नहीं होगी तो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। दूसरी बात, ठीक है, जो HI की बात मैंने जैसे बताया ही है, HI बॉन्ड बहुत ज्यादा वीकर होता है, ठीक है, इजीली ब्रेक कर जाता है, होमोलाइज हो जाता है, लेकिन होमोलाइज होने के बाद जो आयोडीन फ्री रेडिकल बना वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है तो वो आपस में ही मिलके दोबारा फिर से आयोडीन फॉर्म कर लेता है, मतलब जो फ्री रेडिकल आपका हेलोजन फ्री रेडिकल जो क्रिएट हुआ है एक्चुअली उसने अटैक करना होता है एल्कीन के ऊपर। अब जो हेलोजन फ्री रेडिकल बना अगर वो रिटेन्ड ही नहीं रहेगा वहां पे तो उस केस में वो रिएक्शन एक्सप्रेस नहीं होगी। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दैट व्हाई परोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड ओनली इन केस ऑफ HBr बट नॉट इन केस ऑफ HI एंड HCl, ओके। तो इस तरह से आपने बेटा ये दोनों जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज मार्कोनिकोव्स एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, इनको एक बार थॉरली दोबारा से सारे टॉपिक को बड़े ध्यान से अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना और एक बार रिटन प्रैक्टिस मैकेनिज्म की जरूर कर लेनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लस वन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड और प्लस टू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस। अब जो क्वेश्चन आता है वो जैसे ये क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड By the addition of reactant HBr to hex-1-ene, यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, प्रोपीन की, ठीक है, अब क्या hex-1-ene, तो पहला केस इन द एब्सेंस ऑफ परोक्साइड मतलब मार्कोनिकोव्स एडिशन बेटा, और दूसरे में इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड दैट इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा, या जिसको हम खराश इफेक्ट बोलते हैं या परोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द एडिशन रिएक्शंस दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती हैं वो बड़ी सिंपल सी है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी आपके पास जो सिंपल आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट्स बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही होनी है, मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट ही बनेगा यहाँ पे, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की होगी, प्रोपाइल जैसे प्रोपीन ले रहे हो तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो मेजर प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा। बाकी एडिशन ऑफ वाटर करते हैं सिंपल, मतलब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो वहां पे आपके पास
एल्कोहल बनेगा, वो भी कौन सा, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल आपके पास मेन बनेगा उस केस में। जैसे यहाँ पे 2-methylpropene है हाइड्रोलिसिस की, लेकिन हाइड्रोलिसिस किसकी मीडियम में करनी है, एसडी कंडीशंस में करोगे, क्योंकि एसडी कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को ब्रेक करने में हेल्पफुल होंगे, वहां पे कार्बोकैटायन जनरेट होंगे और बाकी वो फर्दर आगे एडिशन रिएक्शन जो होगा टेक्स प्लेस हो जाएगी। मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे भी फॉलो होना है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, एडिशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स टेक्स प्लेस, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल, जैसे इस केस में आपका सेकेंड टर्शियरी एल्कोहल बन रहा है ये वाला। सिमिलरली इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आती हैं, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन इन द सेंस कि इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो जैसे एल्केन्स के केस में हमने किया था ना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के केस में डिफरेंट प्रोडक्ट बने थे, एल्डिहाइड और एल्कोहल बने थे। यहाँ पे भी जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम एक्वस मीडियम एंड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हमारे पास ग्लाइकोल बन जाता है, इथीन से क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब इथेन 1,2-diol जिसको हम बोलते हैं। अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो सिमिलरली प्रोपेन वहां पे बन जाएगा Y2, 1,2-diol। अगर एसडी कंडीशन में करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और एसडी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में बेटा करते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके पास कीटोन्स बनेंगे, जैसे ये केस है, ठीक है, एल्कीन्स करते तो क्या बन जाता है, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट से सारे करेंगे तो बनेंगे एल्कोहल्स, लेकिन अगर एसिडिक कंडीशंस में करेंगे तो बनेंगे कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आप इन रिएक्शंस में देख पा रहे हो दोनों केस में। 2-methylpropene ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, प्रोपेन 2-ओन बन रहा है। अगर ब्यूट-2-ईन ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन केस दोनों में डाइल्यूट कंडीशन में अलग प्रोडक्ट होगा और एसिडिक कंडीशंस में अलग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का, वो एक्वस और एसिडिक कंडीशन में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना आपने, क्लियर। एसिडिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट, जबकि एक्वस सॉल्यूशन के केस में, मतलब एक्वस मीडियम में, ये थोड़ा सा जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर रहती है वो वीक हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन आती है एल्कीन्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ये भी एक एडिशन रिएक्शन होती है बेटू। ओजोनोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ ओजोन टू द एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल क्या होता है, सबसे पहले एडिशन ऑफ ओजोन होती है, हमारे पास ओजोनाइड बनते हैं, एडक्ट होता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है एक ओजोनाइड, एक तरह से इंटरमीडिएट की तरह ही होता है ये, ठीक है। बाद में इसको जिंक की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बाकी यहाँ से इस तरह से ये ब्रेक कर जाता है, ऐसे ये दो इस सेंटर से ब्रेक कर जाएगा, एक CH3CHO ग्रुप बन गया इथेनॉल और दूसरा HCHO मीथेनॉल ग्रुप बन गया, अगर हम प्रोपीन को लेकर चलते हैं। टूटना क्या है, जो डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक करके वहां पे तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम्स ने एड अप हो जाना है। कैसे एड अप हो जाना है, इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी जनरल एल्कीन ले रहा हूँ, ये कोई भी जनरल एल्कीन है आपकी, ये डबल बॉन्ड होता है बीच में ऐसे, ठीक है। अब आपने इसमें क्या किया, ओजोन ऐड कर दिया, ठीक है, O3 ऐड किया, तो O3 का एज इट इज ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कैसे होगा, ये आपके पास ये कार्बन एटम के जो अदर एटम्स के साथ है, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, ये आपका दूसरा कार्बन एटम आ जाएगा इस तरह से, और दो ऑक्सीजन नीचे, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसे रिंग ये स्ट्रक्चर बन, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, दिस इज नोन एज ओजोनाइड, ठीक है। जो एल्कीन होगा उसका ओजोनाइड बनेगा, अगर जैसे प्रोपीन है तो प्रोपीन ओजोनाइड, अगर ब्यूटीन है तो ब्यूटीन ओजोनाइड, ये बन जाएगा। बाद में क्या करती है, जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं और यहाँ से ये इस तरह से, ध्यान से देखना है, ये ऐसे ब्रेक करता है बेटा इस तरह से, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये अलग बन जाएगा यहाँ से ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, और दूसरा अलग प्लस इधर से एक अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। अभी ये क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये जो कार्बन एटम्स हैं इनके साथ यहाँ पे क्या लगा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड या कीटोन जो बने,
क्लियर बेटा, ये होती है ओजोनोलिसिस रिएक्शंस होती है, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है बेटा। ओजोनाइट बनेगा, ओजोनाइट के बाद उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है सिंपली, ठीक है। ये दो पार्ट ऐसे ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से, ये इस तरह से। जैसे यहाँ पे अब ऊपर केस में क्या आपने देखा, इथेनॉल और मिथेनॉल बन, दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं, लेकिन अगर 2-methylpropene लेते हैं, मतलब ब्रांचड एल्कीन आप ले रहे हो, तो उस केस में एक कीटोन बन रहा है आपका और दूसरा एल्डिहाइड बन रहा है, कौन ही ले। So this reaction is known as ozonolysis, another type of addition reaction that takes place in case of इसमें alkenes के केस में बेटा। And next one जो रहती है आपके पास वो polymerization रहती है। Polymerization reactions क्या होती हैं, जो large number of alkene species जो होते हैं वो combine करके polymers में convert हो जाते हैं। Polymers जैसे polythene, आपके पास polythene जो हम polythene bag use करते हैं उसकी बात हो रही है। तो वहां पे क्या होता है, इथीन मॉलिक्यूल जो एन नंबर ऑफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं, और वहां से आपके पास गिवन पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है अंडर द कैटालिटिक एक्टिविटी एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में ये रिएक्शन बेटा टेक्स प्लेस करती है। इनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड पॉलीमर्स, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इनको पॉलीमर्स बोला जाता है। और ये जो रिएक्शंस होती है इनको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो जो यूनिट, जो स्मॉल मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं वो होते हैं मोनोमर्स, मतलब सिंगल यूनिट्स। जो लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल रिएक्शन जो दे सकते हो आपकी, वो एक पॉलीथीन, जैसे मैंने अभी बताया दिस वन, ये पॉलीथीन होता है। एन मॉलिक्यूल ऑफ इथीन ये high temperature and pressure condition under the catalytic activity it gets converted into polythene, और दूसरे केस में आप देख रहे हो polypropene, ये polypropene है जहाँ पे n number of propene units जो हैं वो आपस में add up होके क्या बना रहे हैं, polypropene बना रहे हैं। तो different different polymers जो हम लोग जैसे PVC pipes हो गए, ठीक है, जो wiring वगैरह के लिए use किए जाते हैं घरों में, इसके अलावा insulation के लिए जो यूज की जाते हैं, वायरिंग की इंसुलेशन जो होती है, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उनकी इंसुलेशन के लिए, जो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। और ये इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं। इनमें एल्कीन्स होते हैं या एल्कीन्स के आगे जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे पीवीसी जो है वो एल्कीन का डेरिवेटिव होता है, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं उसको, विनाइल क्लोराइड, ठीक है जी। तो ये रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इनको यूज किया जाता है। So, beta, this is all about the alkenes, the first unsaturated type of hydrocarbons. In सभी को इसकी preparation, या method of preparation और chemical properties जो आज हमने किया, specially Markovnikov's, anti-Markovnikov's addition, that is ozonolysis reactions, ठीक है जी, ये most important reactions है। तो इनकी practice आपने बेटा अच्छी तरह से कर लेनी है, okay बेटा। तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे एल्काइंस। टिल देन बेटू, टेक केयर, बाय बाय।